दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गई, इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, उसमें सबसे बड़ा रोल करता है सब्सिडी। और 2024 चालू होने वाला है तो क्या फेम 3 की नई सब्सिडी कब देखने को मिलेगी, फेम 3 आने तक फेम 2 की अभी की सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं और इसके ऊपर अपडेट्स भी आ रहे हैं। सो अगर आपका प्लानिंग है कोई ईवी लेने का तो ये वीडियो जरूर से जरूर देखना। और आने वाले टाइम में गाइस फेम 3 का नया हाल जो है वो देखने लायक होने वाला है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें 2023 में ईवी सेल्स के बारे में तो सबसे ज्यादा सेल अभी तक 2023 में हुए है, लेकिन 2024 में क्या हालत होगी वो तो अभी यार किसी को पता नहीं, क्योंकि बोला जा रहा है कि फेम 3 2024 में जो आएगा उसमें सब्सिडी ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले काफी आर्टिकल मैंने पढ़े उस पर बोला भी जा रहा है कि फेम 3 के ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्शन नहीं ली है और 3 ही महीने बचे है। 1 अप्रैल 2019 से फेम 2 की सब्सिडी चालू हुई थी जो कि 31 मार्च 2024 तक चलने वाली है। तो मार्च तक तो फेम 2 सब्सिडी है, लेकिन उसके बाद क्या हालत होगी? अगर सब्सिडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं मिलेगी तो 50% सेल जो है डाउन हो सकती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर की, इलेक्ट्रिक बाइक की, इलेक्ट्रिक कार की प्राइसिंग बढ़ सकती है। सो देखो यार ईवी मार्केट में सब्सिडी तो आनी ही चाहिए और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको फेम 2 की ही सब्सिडी देखने को मिलेगी 31 मार्च 2024 तक। तो अगर आपका प्लानिंग है कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटर कोई लेनी है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप अभी के अभी ले लो, अदरवाइज आप रुक सकते हो। और बड़े बड़े जो ब्रांड है, ओला है, बजाज है, एथर है, टीवीएस है, उनको काफी बड़ा झटका लग सकता है अगर फेम 3 के बारे में कुछ भी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो, क्योंकि इनकी सेल्स काफी अच्छी है और एम्पायर की इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग भी काफी लेस देखने को मिली है, क्योंकि इनको स्टॉक जो है वो पहले का क्लियर करना है, क्योंकि नई सब्सिडी आएगी, नई गवर्नमेंट के जो रूल्स आएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए वो अभी फिलहाल के लिए पहले का स्टॉक निकाल रहे प्राइस ड्रॉप करके, जैसे ओला ने भी किया है। तो यही सीन चल रहा है गाइस, आने वाले टाइम में इनको नए गवर्नमेंट के फेम 2 के रूल्स के हिसाब से अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिखाना पड़ेगा, उसी हिसाब से उनको आगे जाकर सब्सिडी मिलेगी। तो आपके लिए ये फायदा भी हो सकता है, आपको कम प्राइस में इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल सकती है। तो अगर आपको ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो, देख सकते हो कितनी प्राइस ड्रॉप हुई है। और जल्दी हम इस पर वीडियो भी बनाने वाले कि कौन कौन से मॉडल की, कौन कौन से ब्रांड ने भी जो इसकी प्राइसिंग कम की है। सो गाइस ये थी कुछ आज की लेटेस्ट अपडेट फेम 2 की एंड फेम 3 की नई अपडेट के बारे में। वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो यार फटाफट से लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यार दोस्तों आपको सबसे पहले वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक भी जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी ना भूलिए।